मारी तो 1,20,000 कर रखी, तन खाली उनकी 70,000 रुपया इनकम कर रखी। हम डॉक्टर मनीष ने जिता गांव को सर ना करा तो क्या करे। डॉक्टर मनीष यादव को चंडीगढ़ विधानसभा में बैठा कर रहेंगे। और मैं दादी और जरूर जिताऊंगी और बराई हो सारी सारी। ये डॉक्टर मनीष के साथ है। हाँ डॉक्टर मनीष के साथ है। आज हम गांव गांव में जाएंगे और मनीष को जिताएंगे। गांव गांव में जाएंगे पक्का। दोस्तों महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव बमाणिया में है और यहां पे चुनावी एक जनसभा हुई है और देख सकते हैं भीड़ का माहौल है। किस नेता को लेकर और क्या जनसभा रही, क्या फैसला यहां पे लिया गया, किसको बमाणिया गांव वोट देगा, वो सारी बातें यहां पे करेंगे। काफी लोग यहां मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और राम राम भाई, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो कहना समर्थन दे दियो। हम तो आम आदमी पार्टी का आदमी है, डॉक्टर मनीष को बनाएंगे। मनीष को जी, गांव कौन सा अपना? बमाणिया गांव। बमाणिया, हाँ। अपने गांव के व्यक्ति को अपने गांव को बनाएगा, पूरा गांव सहयोग देगा, एक एक बच्ची बच्चा उनके साथ रहेगा। आज पूरे गांव ने सहयोग दे दिया, पूरे गांव को समर्थन पूरा है। एक तरफा हो गया, एक तरफा। अपने गांव के लड़के को जिताएंगे, अपने गांव के लड़के को, अपने गांव को नेता, अपना बेटा है, अपने गांव का है भाई। है लगता है काम करेगा, बहुत काम करेगा, ईमानदार लड़का, शरीफ लड़का, शरीफ और ईमानदार, ठीक काम कर दिया बिल्कुल। देख सकते हैं हम महिलाएं हैं वो काफी यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। तो आज मनीष जी गांव में आए हैं, क्या कहोगे इनके बारे में? इनके बारे में पूरा सहयोग देंगे इनके बारे में। हम सबको बोलेंगे वोट दो इनको। हाँ बवानिया गांव से है, पूरा गांव साथ है, पूरा गांव साथ है, पूरा गांव वोट मांगने भी जाओगे? पूरे गांव को करेंगे साथ हम। हाँ एक मिलकर जिताएंगे मनीष जी को। हाँ जी सारे साथ हैं। हाँ साथ हैं, सारी महिलाएं। हाँ जी दिल से साथ हैं। हाँ जी दिल से आपको, दिल से साफ हैं और एको करके और हम अपना जिताएंगे। हाँ जी जिताएंगे, सारी महिला एक को खूब कराऊंगा। सारी बुआनिया एक और मैं दादी और जरूर जिताऊंगी और बराई हो सारी सारी। ये डॉक्टर मनीष के साथ है। हाँ डॉक्टर मनीष के साथ है। आज हम गांव गांव में जाएंगे और मनीष को जिताएंगे। गांव गांव में जाएंगे पक्का पक्का जिताएंगे। मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद। वोट तो भाई अपना पता कैसे है बेटा। हाँ अरे वैसे एक दिन मांगा अभी। हाँ हिम्मत बेटा, हिम्मत बस इतनी सकते तो मांगना होता है, हम मांग भी जाऊंगा और दे भी जाऊंगा। हाँ बिल्कुल है भाई, जिताएंगे भूले। हाँ पोता जिताएंगे भाई, कांग्रेस को भगाएंगे और आम आदमी पार्टी को लाएंगे। और उसने हमारा कोई अच्छा काम नहीं किया, हमारे महेंद्रगढ़ जिला का बट्ठा बैठा दिया और हमारे गांव का सड़क कुछ काम नहीं किया, नहीं बेरोजगारी कर दी, कोई बच्चा नहीं लगाया, इसलिए हम उसको भगाएंगे और आम आदमी पार्टी लाएंगे और हमारे मनीष बेटा को जिताएंगे। हाँ जी जिताएंगे। हाँ कल से वोट मांगना शुरू, पूरा गांव एक है बुआनिया। राशन भी ना दी और पैसा वाला ने राशन दी, मारा भर का बाढ़ देखी बैठा। हाँ हमने कोई दे किमी और पैसा वाला ने सब किमी दी। हाँ मारी तो 1,20,000 कर रखी, तन खाली उनकी 70,000 रुपया इनकम कर रखी। हम डॉक्टर मनीष ने जिता गांव को सर ना करा तो क्या करे। डॉक्टर मनीष यादव को चंडीगढ़ विधानसभा में बैठा कर रहेंगे। डॉक्टर मनीष यादव को चंडीगढ़ भेजना है, बमाणिया गांव में है और पूरी जनसभा। जी माता जी, क्या मनीष यादव मारो लड़को है, हम जिता के बमाणिया गांव को चंडीगढ़ में नाम लिखाणो। नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम केसर है। बवानिया गांव आपका? बवानिया गांव मेरो से और मनीष मेरे पोतो से। अच्छा जी, और बवानिया
बुआनिया गांव में पोता ने जिताया, चंडीगढ़ में उनको नाम करा। वोट दे सारे मनीष का सिंह। मनीष हाँ सारा मनीष का सिंह। एक तरफा माहौल बना दिया, माहौल बनाऊंगा। हमारा गांव है, हमारा पोतों से, हमारा पोतों से हम के मर जिताएंगे, हम खड़े करे उसे जिताएंगे, हमारे पोता ने हम खड़े करे उसे जिताएंगे। देख सकते हैं अपने पोते को जिताने के लिए काफी जोश यहाँ पे है। डॉक्टर मनीष यादव भी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे, और भी काफी महिलाएं पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए। तो अभी मनीष जी से बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करवाई, क्या कुछ माहौल भवानिया का बदला है, बातचीत करते जी। नमस्कार सर जी, क्या कहेंगे भवानिया एक तरफा करती है। स्वागत है पहले आपका भवानिया गाँव में, और भवानिया गाँव एक तरफा सिर्फ इस संकल्प के साथ है कि जिस बदलाव को महेंद्रगढ़ की जनता उम्मीदों में देखती है, ख्वाबों में देखती है, अब उस बदलाव के लिए भवानिया गांव संकल्प लेकर पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर, अपने बेटे के साथ जुड़कर इस चुनाव में हर एक व्यक्ति के इस सपने को पूरा करने जा रहा है। बात करें नेताओं की धड़कने बढ़ा दी है, क्योंकि यादव यादव यादव, और कोई नेता तो बैठ के सोच रहा था कि मैं जीतने वाला हूं, लेकिन उसको आपने डामाडोल कर दिया। देखिए जिस तरह से आपने इस कथन की शुरुआत की है, यादव यादव यादव, यानी कि जाति, अगर किसी का चुनाव जाति के नाम से झुकता है तो यानी वो जाति के नाम से उन्होंने राजनीति की होगी। अगर राव दान सिंह जी का चुनाव जाति के नाम से चल रहा था तो जाहिर तौर पर रुकना तय था और उनकी धड़कनें बढ़ना भी तय है, लेकिन रावदान सिंह जी लंबे समय तक मौका लेने के बाद काम नहीं कर सके, तो जनता ने साफ तौर पे जब लोकसभा चुनाव में उनसे किनारा कर लिया, जिस वक्त हर एक व्यक्ति ये सोचता था कि भाई इस बार तो शायद इनको जिता देना चाहिए, इनकी विदाई हो जानी चाहिए, या फिर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत गुस्सा था लोगों में, उस वक्त भी उनको नहीं जिताया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुस्सा लोगों के अंदर राव दान सिंह जी के प्रति था, तो उस वक्त भी उनको हरा दिया गया। आज लड़ाई आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जो रामलाल शर्मा जी की टिकट काटने का तरीका था, जो उनका अपमान किया है जिस तरह से, उससे मैं समझता हूँ महेंद्रगढ़ में वोट की उम्मीद नहीं कर सकती। तो ये चुनाव एक तरफा रहेगा, इस चुनाव में आम लोग जो बदलाव की बात कर रहे थे वो बदलाव इस बार होकर रहेगा। डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव, चुनाव किस प्रकार से, क्योंकि 15-20 देखिए अब गांव-गांव जाएंगे, अपनी विचारधारा, आम आदमी पार्टी की विचारधारा, और जिस बदलाव की बात हम कर रहे थे उस बदलाव की चर्चा हर एक व्यक्ति से करेंगे, जनसंवाद करेंगे, और पूरे गांव-गांव जाके हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास करेंगे। नेताओं की बात करें तो बिल्कुल सभी नेताओं का यहाँ दौरा रहेगा, 20 दिन का ये सफर है, इसमें कब कब कौन कौन से नेताओं का शेड्यूल किया जाता है, कौन हमारे बीच में आता है, वो सब आपको मैं समय समय पर सूचना दूंगा। और सभी नेताओं का मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ में आना होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, मान साहब हो, हमारी पार्टी के और बड़े नेता हो, संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया जो, सबके सब महेंद्रगढ़ की सीट पर पहुंचे। पूरा फोकस है महेंद्रगढ़ सीट पर, बिल्कुल महेंद्रगढ़ सीट पर फोकस नहीं है, पूरे हरियाणा पर फोकस है, पूरे हरियाणा के जरूरतमंद लोगों पर फोकस है, जो सरकार से उम्मीद करते हैं उन सब पर फोकस है। आज बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष यादव। आपने देखा डॉक्टर मनीष यादव के हैं, और यहाँ पे जनसभा हुई और लगभग पूरे गांव ने डॉक्टर मनीष यादव को समर्थन दिया, एक तरफा माहौल के लिए कहा कि भाई हमारे गांव का बेटा है, इसको हम वोट देंगे और जिताएंगे और आने वाले समय में चंडीगढ़ भेजेंगे। आप क्या सोचते हैं कौन होने वाला है महेंद्रगढ़ का विधायक, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस प्रकार की चुनावी चर्चाओं के लिए लगातार बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।